नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज पता है मैं आज आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी मीठे की। आप खाएंगे केक। देखिए, आप लोग अगर डाइटिंग कर रहे हैं, डाइट कॉन्शियस हैं या हेल्दी खाना खाते हैं, पर देखिए मीठा खाने का तो सबका मन करता है, थोड़ा सा चीट करने का भी सभी का मन करता है। तो मैंने सोचा है कि ऐसी हेल्दी रेसिपी शेयर की जाए जो आप खाने में ज़्यादा सोचना ना पड़े आपको। तो इसी सीरीज में मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ, आटा जागरी केक की रेसिपी। तो जो बनता भी बहुत अच्छा और बहुत ही हेल्दी हो जाता है, चीनी यूज़ नहीं होती है। और चलिए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम आटा जागरी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम अपना हेल्दी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप दही लिया हुआ है, घर का जमा हुआ दही है। दही खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें हाफ टी स्पून मैं डालूंगी, ये देखिए, बेकिंग सोडा। बस हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा डालना है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अराउंड 3 से 4 मिनट हमने अच्छे से इनको मिक्स करना है। देखिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको बीट कर लिया। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हमने इसमें ऐड करना है जागरी पाउडर। ऐड करेंगे 3/4 कप जागरी पाउडर ऐड करेंगे इसमें। और उसके बाद हमने 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। उसके बाद हमने डालना है इसमें, देखिए आप ऑयल क्या डालना चाहते हैं, आप रिफाइंड यूज़ करें। मैं घर का बना हुआ मक्खन ले रही हूँ, अगर रिफाइंड डालेंगे तो आप 3/4 कप डालिएगा। मैंने ये 1/2 कप ही लिया है क्योंकि थोड़ा थोड़ा मीठा खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा घी तेल भी हेल्दी होता है। इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसमें ये मक्खन है, ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मक्खन है तो उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप मिल्क। इसको फिर अच्छे से 2 मिनट हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमने डालना है आटा, 1.5 कप आटा डालेंगे, पर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बार में 2 से 3 चम्मच कर डालना है और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक बार में सारा नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके इसको मिक्स करना है। अगर आप वाइट बटर घर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस का। इसी तरीके से कर करके ये देखिए, देखिए फिर मैं 2-3 चम्मच डाल दूंगी। इसी तरीके से हम करके सारा अच्छे से बीट कर लेते हैं। इसमें मैंने सारा आटा डाल दिया। अब इस लास्ट में मैंने को डालना है इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसको हमने ज़्यादा बीट नहीं करना है, अब बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है 1 मिनट के लिए। और बस इसका हमारा बैटर तैयार हो गया है केक का। बाकी हम ओवन गरम करने रख देते हैं, प्री हीट ओवन में रखना है इसको। तो हमारा ओवन गरम हो रहा है, हमने बेकिंग डिश ले ली है, इसको ऐसे हल्के से कर लेंगे सारा निकल जाए। देखिए बटर भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है इसमें, इसको निकाल के अब हम बेकिंग डिश में ये बटर पेपर लगा लेंगे। अब हम इसमें सारा केक, इसमें बैटर पलट देंगे। बैटर इसमें पूरा का पूरा अच्छे से डाल देंगे। सारा बेकिंग डिश में डाल लिया है, हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से। मेरा ओवन मैंने गरम होने रखा था, ओवन भी गरम हो गया है, रीहीट करने रखा था। ये देखिए हमारा बिल्कुल सेट हो गया, ये देखिए ये सेट हो गया हमारा। अब हमने इसमें एक चीज़ डालनी है इसको और हेल्दी बनाने के लिए। देखिए मैं इसमें डालूँगी ऊपर से थोड़े से नट्स, अच्छे से नट्स डाल देंगे इसमें। ये केक बहुत ही हेल्दी है। आप किसी भी समय, आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप मैदे का केक सोचते हैं 10 बारी कि आपको खाना है कि नहीं खाना, आप ये खाइए, थोड़ा सा आप आराम से खा सकते हैं।
क्योंकि चीनी की जगह हमने जागरी पाउडर यूज़ किया है, आटे की मैदे की जगह आटा यूज़ किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी केक हो जाता है। ये देखिए अब हमारा केक बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हमने 180 डिग्री पे अराउंड 35-40 मिनट्स लगेंगे इसको। तो चलिए अब हम इसको बेक होने रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा केक बेक हो गया है, अराउंड 40 मिनट्स इसको लग गए हैं। इसको चेक करने के लिए तो आप नाइफ से या टूथपिक को आप ये केक के बीचों बीच में डालिएगा, ये पूरा अंदर तक। ये देखिए केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल पूरे 40 मिनट्स लगे हैं मेरे को। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, निकल तो इजली आएगा और ये ठंडा होने का। ये देखिए बहुत अच्छे से बेक हो गया है। अब इसको 10 से 15 मिनट हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इसको 15 मिनट बाद हम इसको निकालते हैं। अभी बिल्कुल गर्म है, तो गर्म केक अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे या काटने की तो वो टूट जाएगा। तो इसको 15 से 20 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स केक ठंडा हो गया, मैं इसको निकाल लेती हूँ। मेरा केक कितना अच्छा बेक हो गया, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए साइड से देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना टेस्टी और कितना हेल्दी केक बना है इसके। चलिए हम स्लाइसेस काट लेते हैं। इसको आप टी टाइम में ले सकते हैं या गेस्ट आ रहे हैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है उस समय आप बना सकते हैं इस केक को, या सुबह आप ब्रेकफास्ट टाइम भी खा सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी केक है, जब आपको मीठे की थोड़ी सी क्रेविंग हो ना तो आप इस केक को फटाफट बनाइए, बनता भी बहुत जल्दी है और इसको आप एंजॉय करिए। ये फ्रेंड्स मेरा जागरी आटा केक बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आपको जिस समय खाना हो, जैसे खाना हो वैसे खाइए, छोटी सी भूख में, छोटी सी क्रेविंग में, बहुत अच्छा लगता है ये केक और हेल्दी भी है। और तो इसको ज़रूर बनाइए और ट्राई करिए, मुझे बताइएगा आप लोगों का कैसा बना। अगर अच्छा बना तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।